सदी का एक ऐसा जाबाज खिलाड़ी जिसकी बल्लेबाजी से पूरा विश्व क्रिकेट जगत हिल जाता था। मैच की पहली गेंद से ही इस बल्लेबाज का आक्रमण शुरू हो जाता था। विश्व के बड़े से बड़े गेंदबाज इस बल्लेबाज के सामने घुटने टेक देते थे। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज यूसुफ पठान की, जिनकी प्रशंसा पूरा विश्व क्रिकेट जगत करता था। यूसुफ पठान बड़े से बड़े छक्के लगाने में सक्षम थे। इनकी बल्लेबाजी में वो धार हुआ करती थी जो कभी भी किसी भी समय मैच का नक्शा पलटने में महारत रखते थे। ये ऐसा बल्लेबाज था जो T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाला बल्लेबाज था। IPL में KKR की तरफ से खेलते हुए MI के खिलाफ यूसुफ पठान ने ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम को एक नए आयाम तक पहुंचाया था। क्रिकेट की गेंद को सीमा रेखा के पार भेजना इनके लिए बाएं हाथ का खेल था। यूसुफ पठान का जन्म 17 नवंबर साल 1982 को गुजरात के बड़ौदा शहर में हुआ था। क्रिकेट खेल से लगाव बचपन से ही था और इनका बचपन इन्हीं खेल कूद में गुजर रहा था। यूसुफ पठान अपने छोटे भाई इरफान पठान के साथ क्रिकेट ग्राउंड प्रैक्टिस करने जाया करते थे। खेल के प्रति लगन और मेहनत को देख इनके पिता ने पूरी ताकत लगा दी किसी तरह दोनों भाई क्रिकेट में भविष्य बना लें। फिर एक समय भी आया जब इरफान पठान को भारतीय टीम में एक तेज गेंदबाज के रूप में शामिल कर लिया गया। फिर इनके बड़े भाई यूसुफ पठान को भी एक बल्लेबाज के रूप में भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। यूसुफ पठान को शुरुआत में स्लॉग ओवर्स के लिए जाना जाता था। इन्हें शुरुआत में नंबर 7 और नंबर 8 पर भेजा जाता था। वो आते और ताबड़तोड़ हिटिंग करते और अपना काम करके चले जाते, लेकिन धीरे धीरे इनकी बल्लेबाजी से लोग आकर्षित होने लगे और अब यूसुफ पठान डोमेस्टिक लेवल पर एक बहुत बड़े खिलाड़ी बनकर उभर चुके थे। यूसुफ पठान का सिलेक्शन टीम इंडिया में साल 2007 में बतौर ऑलराउंडर के रूप में हुआ था। उनके करियर का आगाज ही पहले T20 विश्व कप के फाइनल में हुआ था। वीरेंद्र सहवाग उस मैच में नहीं खेल रहे थे तो पारी का आगाज करने के लिए कप्तान धोनी ने यूसुफ पठान को भेज दिया। जोहानिसबर्ग के मैदान पर सामने पाकिस्तान की टीम थी। पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही यूसुफ पठान ने एक जोरदार छक्का लगाकर अपने होने का सबूत पेश किया, लेकिन इस मैच में यूसुफ पठान ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक ना सके। लेकिन अपनी इस बल्लेबाजी से लोगों को आने वाले समय के बारे में जरूर परिचित करा दिया था। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और गेंदबाजी से यूसुफ पठान लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद IPL में इनका बल्ला जमकर बोला। IPL के मैचों में यूसुफ पठान राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। IPL के पहले सीजन में ही यूसुफ पठान ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मात्र 37 गेंदों में ही शतक ठोक दिया था। इस पारी को भला कौन भूल सकता है। मैच खत्म होने के बाद राजस्थान टीम के कप्तान शेन वॉन ने कहा था, मैंने अपने पूरे क्रिकेट करियर में ऐसी पारी नहीं देखी। IPL में यूसुफ पठान का औसत 130 के ऊपर रहा। पठान साल 2011 में KKR टीम का हिस्सा बने, लेकिन फिर यूसुफ पठान की बल्लेबाजी में वो धार नहीं दिखी जो रॉयल टीम में रहकर यूसुफ पठान ने प्राप्त की थी। IPL में इनके नाम एक शानदार रिकॉर्ड भी है, लगातार 11 गेंदों में बाउंड्री लगाने का, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। ये कारनामा उन्होंने साल 2010 में मुंबई के खिलाफ किया था। 2014 IPL में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने KKR की तरफ से खेलते हुए मात्र 15 गेंदों में ही अर्धशतक ठोक दिया था। वनडे करियर में यूसुफ पठान के नाम 2 शानदार शतक हैं और दोनों ही पारियों में इनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था। पहला शतक न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ तो दूसरा शतक साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ देखने को मिला था। मस्जिद के सामने छोटी सी जगह पर क्रिकेट खेलने वाले वो दो भाई, जिनके पास खेलने के लिए न तो बैट था और न ही गेंद थी, लेकिन फिर भी इन दोनों खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और लगन ने उन्हें स्टार बना दिया था। एक तरफ यूसुफ पठान जो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, तो वहीं इरफान पठान स्विंग के बेताज बादशाह बन चुके थे। तो गाइज, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर बल्लेबाज यूसुफ पठान की, जिन्होंने बहुत कम समय में बड़े नाम किए हैं। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी वीडियो को एक लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
इसी तरह की क्रिकेट जगत से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।